बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का मुनाफा 85% उछला, उछाल के साथ 255.87 करोड़ रुपए। आदित्य बिरला कैपिटल का मुनाफा 44% बढ़ा, मुनाफा बढ़कर 705 करोड़ रुपए। वाणिज्यिक बंदरगाह परिचालक JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही में एकीकृत मुनाफा 85% उछाल के साथ 255.87 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने पिछले साल समान तिमाही में 138.29 करोड़ रुपए का एकीकृत मुनाफा कमाया था। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि जुलाई सितंबर अवधि के दौरान उसकी आय बढ़कर 895.48 रुपए हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में 696.51 करोड़ रुपए थी। समूह मुख्य रूप से बंदरगाह सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। आदित्य बिरला कैपिटल ने शुक्रवार को बताया कि सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में उसका एकीकृत आधार पर मुनाफा 44% बढ़कर 705 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी ने 488 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई सितंबर अवधि में कंपनी का कुल एकीकृत राजस्व 22% बढ़कर 8,831 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 7,210 करोड़ रुपए था। बैंक ऑफ बड़ौदा का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 28% उछाल के साथ 4,253 करोड़ रुपए हो गया। लाभ में वृद्धि खराब कर्ज में कमी आने और ब्याज आय बढ़ने से हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बीते वर्ष के समान तिमाही में 3,313 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक की कुल आय सितंबर 2023 तिमाही में बढ़कर 32,033 करोड़ रुपए हो गई, जो बीते वित्त वर्ष के समान तिमाही में 23,080 करोड़ रुपए थी। सितंबर 2023 के अंत में बैंक का सकल NPA घटकर सकल कर्ज के मुकाबले 3.32% हो गया, जो पिछले साल सितंबर अंत में 5.31% था। शुद्ध NPA भी घटकर सितंबर 2023 तिमाही में 0.76% रह गया, जो पिछले साल समान तिमाही में 1.16% था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन की उसकी साझेदार BP PLC ने KG गैस की कीमत तय करने के लिए ऑयल इंडेक्सेशन को फिर से अपनाया है। इससे कच्चे तेल की तेजी का लाभ लेने में मदद मिलेगी। ऑयल इंडेक्सेशन के तहत गैस की कीमत कच्चे तेल के दाम से जुड़ी होती है। केजी बेसिन भारत में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित सबसे बड़ी गैस क्षेत्र है। रिलायंस और बीपी ने एक निविदा में 1 दिसंबर 2023 से बंगाल की खाड़ी में KG D6 ब्लॉक से प्रतिदिन 40 लाख मानक घन मीटर गैस के लिए खरीदारों से बोलियां मांगी है। निविदा दस्तावेज के अनुसार कंपनी चाहती है कि उपयोगकर्ता ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत के अनुसार मूल्य उद्धृत करे। कंपनी ने इस साल मई में अंतर्राष्ट्रीय गैस बेंचमार्क JKM के अनुसार गैस बेची थी। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 188.9 करोड़ रुपए रहा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बड़े यातायात और क्षमता वृद्धि के कारण लगातार 4 तिमाहियों से मुनाफे में है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,583.3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने बयान में कहा कि सितंबर 2023 तिमाही में शुद्ध लाभ 806.1 करोड़ रुपए रहा। इंडिगो की कुल आमदनी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 20.6% बढ़कर 15,502.9 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,852.3 करोड़ रुपए थी। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्स ने कहा कि अपनी स्पष्ट रणनीति और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हमने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया है और पिछले 4 तिमाहियों से मुनाफे में बने हुए हैं। सितंबर तिमाही में एयरलाइन की क्षमता 27.7% बढ़ी, जो मौसमी तौर पर सबसे कमजोर तिमाही है। तिमाही के दौरान यात्रियों की संख्या 33.4% बढ़कर 2.63 करोड़ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का मुनाफा 85% उछला, उछाल के साथ 255.87 करोड़ रुपए।
आदित्य बिरला कैपिटल का मुनाफा 44% बढ़ा, मुनाफा बढ़कर 705 करोड़ रुपए। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इनबिज न्यूज़। नमस्कार।